नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में है पूर्व मंत्री और कांग्रेस के रणनीतिकार। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, प्रदेश भर में बच्चा बच्चा जानता है। अलीगढ़ से ही आपको कांग्रेस पार्टी को शतक बनाने का जुम्मा दिया। उपचुनाव होना है और ऐसे में सर नामांकन कल से प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं है। कितना समय लगेगा और पार्टी कैसी छवि के व्यक्ति को देख रही है? आज शाम को 7 बजे हमने सभी आवेदक जो हैं, जिन्होंने आवेदन दिया है, आवेदन पत्र दिया है, चुनाव लड़ने के लिए टिकट की मांग की है, उनकी आखिरी बार मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद पार्टी के जिम्मेदार लोग बैठ करके तय करेंगे कि किसको लड़ाना है। फिर इस संबंध में हम अपने नेतृत्व को अवगत कराएंगे। हमें उम्मीद है कि कल या परसों में इसका कैंडिडेट घोषित हो जाएगा, और अगर लेट भी हुआ नामांकन में तो हम 24 तारीख तक इसका नामांकन कर देंगे। अभी नामांकन की तिथि और कैंडिडेट तय नहीं है। सर, इसी बीच में पर्वों का बड़ा आधा दर्जन के करीब पर्व हैं, दीपावली, छोटी दीपावली, इसके अन्य बहुत सारे त्यौहार हैं, और उसी समय में आपको चुनाव प्रचार भी करना है। लगभग 395 गांव हैं, ऐसे कम समय में कैसे अप्रोच कर पाएंगे ग्रामीणों तक? सर देखिए, वैसे भी दिवाली है, दशहरा है, ईद है, होली है, ऐसे त्योहारों में चुनाव हो या ना हो, लोग अपने नज़दीकी लोगों के पास, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको जा जा के मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो हमें तो प्रचार करने का और अच्छा मौका मिलेगा। इस दीपावली में हम दीपावली की मुबारकबाद देंगे, हम धनतेरस की मुबारकबाद देंगे, हम छोटी दीपावली की मुबारकबाद देंगे, हम बड़ी दीपावली की मुबारकबाद देंगे, हम परिवा की मुबारकबाद देंगे, हम धनतेरस की देंगे, हम भैया दूज की देंगे। तो ये तो हमें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है प्रचार करने का, लोगों से मिलने का, दिल मिलाने का एक मौका मिल रहा है। अभी हम लोगों से मिलेंगे तो दीपावली की मुबारकबाद देंगे, दोबारा मिलेंगे तो वोट का अनुरोध करेंगे। सर, सत्ताधारी पार्टी के चप्पे चप्पे पर वॉलंटियर्स, कार्यकर्ता, पुलिस और प्रशासन मौजूद है, ऐसे में आप जैसे जो लोग हैं या अन्य प्रदेश के जो लोग होंगे, वो कैसे क्या अप्रोच बनाने में मतदाताओं तक, ग्रामीणों तक, दलित, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यकों तक क्या अप्रोच सरलता से बना पाएंगे? आपने मेरी बात कह दी, आपने कहा उनके कार्यकर्ता चप्पे चप्पे पे है, हो सकता हूँ, आपने कहा पुलिस प्रशासन भी उनकी तरफ से चप्पे चप्पे पे है, इसका मतलब क्या है? चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, हम मुकाबला करेंगे, सत्ता का दुरुपयोग ये करना चाहेंगे, हम मुकाबला करेंगे, और हमें पूरा भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, पदाधिकारियों के ऊपर, कि वो गांधी जी से प्रेरणा लेकर के वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी से जी से प्रेरणा लेकर के, जिन्होंने देश को कभी नहीं टूटने दिया बल्कि पाकिस्तान के दो हिस्से कर दिए, हम स्वर्गीय राजीव गांधी जी जिन्होंने देश के टुकड़े नहीं होने दिए, अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए, उनसे प्रेरणा लेकर के जन जन तक जाएंगे और लोगों को समझाएंगे और सही बात लोग मानेंगे, हम खैर विधानसभा सीट जीतेंगे। हमारे बीच में बेताज बादशाह हैं, और बिल्कुल सबको पता है कि बेताज बादशाह हैं। कांग्रेस के नेतृत्व ने आपको पूरे तरीके से यहाँ पर शतक बनाने के लिए भेजा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ भेजा है, कहीं इसीलिए तो आप कार्यकर्ताओं से बड़ी नम्रता, सहजता और सरलता से बात करते हुए दिख रहे थे, कहीं यही कारण तो नहीं है कि आपकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है? देखिए साहब, मेरे साथ साथ हर कांग्रेसी की और कांग्रेसी के साथ साथ
हर उस व्यक्ति की जो गांधी जी का सम्मान करता है, प्रतिष्ठा दांव में लगी है। और इसके साथ साथ आज हमने अभी आपके सामने अपने कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बात की, जिम्मेदारी सौंपी। आज शाम को ही 6 बजे मैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और अलीगढ़ जनपद के अन्य नेताओं से भी मिलने जा रहा हूं, क्योंकि हमारा गठबंधन है। जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहा है वहां कांग्रेस का नहीं लड़ रहा है, और जहां कांग्रेस का लड़ रहा है वहां समाजवादी पार्टी का नहीं लड़ रहा है। लेकिन जहां कांग्रेस का नहीं लड़ रहा है वहां समाजवादी पार्टी को हम तन मन धन से सहयोग करेंगे और जिताएंगे, और जहां पर समाजवादी पार्टी का नहीं लड़ रहा है वहां पर समाजवादी पार्टी ने प्रण किया है कि हम कांग्रेस को कैंडिडेट को जिताएंगे। तो आज तो कहते हैं ना कि 1 और 1 11, यहां तो 111 हो रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी भी है। सत्ताधारी पार्टी पिछले 3 दिन से चुनाव की तैयारी कर रही थी, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन यदाकदा मीटिंग करते हुए नजर आ रहा है। लगातार उनके मिनिस्टर्स आ रहे हैं। आपके मिनिस्टर्स या आपके बड़े नेता कौन कौन अलीगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान रहे हैं? अभी मैंने मीटिंग में कहा है कि जब ये लोग चुनाव प्रचार में जाएं तो बताएं किसकी डिमांड है। जिसकी भी डिमांड होगी उस नेता से हम अनुरोध करेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों या कांग्रेस पार्टी के हों, कि वो आकर के यहाँ जनसभा करें। हम उनसे अनुरोध करेंगे। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन से तैयारी कर रही है। बगल में हाथरस में एक नाबालिग बेटी को, दलित बेटी को जला दिया गया, उसकी इज्जत आबरू लूट ली गई, उसको मार डाला गया, यही तैयारी है। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर मंत्री पुत्र ने थार चढ़ा दिया, 5-6 मर गए, 20 घायल हो गए, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। अगर वहाँ कोई गया तो सिर्फ हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और उनके साथ दो तत्कालीन मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो भी गए। क्या यही तैयारी है? और अगर ये तैयारी है तो इस तैयारी को मैं सिर्फ ये कहूँगा, मुझे अफसोस है। सर, यूँ तो हरियाणा के लिए भी आप लोगों ने बड़ा प्रयास किया, प्रयत्न किया और बड़े ढोल लंगाड़े बजे कि यकीनन जीत सुनिश्चित और निश्चित है, लेकिन वहाँ पर भी निराशा हाथ लगी सर। तब भी तो यही एजेंडा था, तब भी यही विषय थे, तब भी यही बलात्कार, शोषण, अपराध और जीरो टॉलरेंस फेल होता हुआ नजर आ रहा था हर प्रदेश में। देखिए, मैंने अभी जो बात कही है, हाथरस की बात कही है, वो हरियाणा में नहीं है। मैंने लखीमपुर की बात कही है, वो हरियाणा में नहीं है। चुनाव अब हरियाणा में नहीं हो रहा, बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहा। सर, कुल 50 किलोमीटर शेष है। मैं 50 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। किसानों को दिल्ली बॉर्डर में गाजियाबाद ज़िले में महीनों बैठे रहे, 731 किसान मर गए, यही तैयारी है। रास्ते में कील कांटे गाड़ दिए गए, यही तैयारी है। पानी का बौछार मारा गया, यही तैयारी है। महंगाई आसमान पे पहुंचा दिया गया, यही तैयारी है। बेरोजगारी मुंह बाई खड़ी है, यही तैयारी है। हर आदमी त्राही त्राही कर रहा है, यही तैयारी है। तो ये तैयारी है तो भाई, ऐसी तैयारी से हम माफ़ी चाहते हैं। सिद्दीकी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं इस संवाद के माध्यम से आप किसान, चौधरी और जाटों को चेता रहे हों, याद दिला रहे हों पुरानी घटनाओं को कि चुनाव आ गया है, आपको बदला लेना है? देखिए साहब, बदला लेने वाली राजनीति न कांग्रेस करती है न मैं करता हूँ। और अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको गलत कहना हमारी जिम्मेदारी है। विपक्ष का काम ही यही है। विपक्ष का काम ये नहीं है, जो विपक्ष का काम है वो सत्ता पक्ष कर रही है। क्या है कि जो भी बात आती है तो कहते हैं साहब वो कांग्रेस के टाइम पे ये होता था। अरे भाई, अभी जो कुछ हो रहा है, हाथरस में बेटी की इज्जत लूटी गई, आगरा में एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को कस्टडी में मार दिया गया, मैं वहाँ गया, तो क्या इसका जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू देंगे कि योगी और मोदी देंगे? जवाब सरकार को देना होगा, जवाबदेही सरकार की है। कटघरे में खड़ा करने का काम विपक्ष का है। हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और जिस दिन सरकार अपनी भूमिका निभा लेगी, ये देश, ये प्रदेश
सचमुच उत्तम प्रदेश उत्तम देश बन जाएगा। आप तो हमारे साथ में कांग्रेस के रणनीतिकार, मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी, चुनाव प्रचार के दौरान मुलाकात होती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।